सारी चीजें हमारी पसंद की हैं यहाँ पर। ये देखना, ये मिल गया, पकड़ लिया इसको। ये वहां रोड पर डिवाइडर लग गया देखने के लिए। यार कुछ खास निकल गया है, निकलने के बाद भी दिखा रही हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारी बढ़िया होंगे। ब्लॉग विद किरण में आपका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी तो फैक्ट्री पे जाएंगे। ये सारा माल वाल रखा हुआ है यहाँ पे, सारा वहाँ रखे आएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग मार्केट जाने की सोच रहे हैं। तो मार्केट से कुछ सामान वगैरह लाना है। तो ये देखो कितना सारा सामान है, ये सारा वहाँ पे रखना है, ये सारा वही फैक्ट्री पे पहुँचाना है। तो ये लोग तैयार हैं बच्चे, तो हम लोग निकलते हैं फिर वहाँ के लिए। तो चलो भाई ले लो माल, उठाओ, चलो चलते हैं। इंडिया बांग्लादेश का मैच है, सागर भैया को मैच की बहुत उड़क लग रही है। कौन जीतेगा बताओ भैया, बता कौन जीतेगा, इंडिया की बांग्लादेश? पक्का? अरे पहले पाकिस्तान घर के, तो पाकिस्तान वाले काम कर लो, घर में तो जीत लो, घर में तो जीत जीता है। चलो चलो फैक्ट्री पे, पहले वहाँ चलो, लेट हो रहे बेटा। ये हमने फिर रात को निपटा दिया ना, अभी सुबह चिल्लाता हम पे आके। पीछे रख ले, पीछे ये पतली है, मम्मी बैठ जाएंगी पकड़, मैं पकड़ के बैठ जाऊंगी। ये आगे सोनिया रख लेगी, कौन सी, ये पतली है, ये रख जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एक ही के है। मम्मी आप बैठे, भैया माल लेके भाग गया, साक्षी उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, इतनी तेज चला रही है। आज खाली भी है रोड भी, ये मिल गया, पकड़ लिया इसको। ये वहाँ रोड पर डिवाइडर लग गया देखने के लिए, गया था वापस आना पड़ा, माल बांध के चला जाता डिवाइडर देखने। हाँ डिवाइडर देखने गया, बताओ इसको की चुल रहती है, सारी चीजें देख ली। कह रहे हैं हमारी रोड पे भी रखे डिवाइडर की, नहीं उस पे रखे, इस पे नहीं रखे जाएंगे, वो ये वाली ज्यादा बड़ी है ना। हाँ। Two thousand years later. गाइस पंखा खराब हो गया, पंखा सही हो रहा है, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है आजकल, मतलब इंसान ठीक नहीं होता, चीज पंखा खराब हो गया, ये सही चल रहा है ये खराब। 17 साल का एक भी नहीं आई थी, 17 साल का बच्चे का था। क्या होता था? डेंगू हो गया 2 दिन बस। डेंगू इतना खतरनाक हो जाता है कभी कभी, बहुत खतरनाक बीमारी। कोई भी मुझे कोई तो ये लगता है कि सारी खतरनाक है। मैं तो बीपी को नहीं मानती थी पहले खतरनाक, अब बीपी से इतना डर लगता है कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है तो धक धक होने लगती है। बीपी की बात और डेंगू इतना फैल रहा है, इतना डेंगू फैल रहा है इस टाइम में बहुत ज्यादा। सुनो हमारे किराएदार रहते थे, तो कल मैंने अचानक फोन कर दिया, तो उन्होंने उठाया नहीं। अच्छा, घर में दो बार बना तो उनकी बेटी उठाया, मेरे पापा का अस्पताल में क्या बात हो गई, तो पैर में दर्द रहता है। शाम को अस्पताल से आ गए तो उन्होंने फोन मिलाया, अपने दिन काम कर रहा, मैंने उठा लिया, फिर मैंने बाहर निकल के उठाया, फिर बाकी ने उठा। तो बोले कि ऐसी बात होने लगी, क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी बात हो गई, बताने लगी। बोले शाम को लड़की 8:30 बजे आई थी, ठीक है, भाई बहुत बड़ा जमाना चल रहा है, तो पंखा ही इंसान खराब होकर सही भी नहीं होता। चलो सही भी हो जाएगा, लेकिन है ना बीमारी ऐसी चल रही, मतलब एक बार हॉस्पिटल जाता आदमी ठीक ही नहीं होता, चाहे किसी को 2 दिन हुए, किसी को 4 दिन हुए। अब मैंने भाई नहीं आती, नहीं आई होगी ना, भाई साहब को तो इतना ठीक है। मैंने अपने घर पे एक दिन पूनम को बताया, मैं वो भाई साहब ऐसे हैरान, ये कुछ लोगों की तो ऐसे हैरान ही से जाती है, इनका तो सच में सब लोगों का इतना। पापा बिल्कुल ठीक थे ना, एकदम हुआ जो कुछ हुआ, घर से हंस के निकले और घर से जो हंस के निकले और फिर वापस ना आए तो बहुत लगता है, और जो भी सुनता है सबको ही लगता है। अब ये चीज है सब खराब हो जाती, वही करवाते थे, वही देखते थे, एक दिन भी खराब नहीं रहने देते थे। ये तो कम से कम 15 दिन हो गए होंगे। हाँ पापा एक भी दिन चीज खराब नहीं रहने देते थे। एक खराब होगी ना तुरंत मिस्त्री को बुला, फोन कर दो, तुम्हें तो ये काम नहीं होता, अब सारी चीजें खुद करनी पड़ रही है, आधी चीजें तो ध्यान ही नहीं रहती कि वो करवा देंगे, यही बोल देती हूँ मैं तो, पापा ही तो करवा देंगे। इंसान ऐसे ही हो गया आजकल, कितनी सफाई करोगी, चलो हो गई सफाई। मैंने कबाड़ा निकाल दिया और ये मेडिसिन कबाड़ा है, इसकी है मेडिसिन, मेडिसिन नहीं है, बैंडेज रखी है, रखी रहने दो। अरे रखी रहने दो ना, अरे तरीके से रखो ना कि जब जरूरत हो तो मिल जाए,
चलो मेरा हो गया। A few moments later बदलने आई थी और क्या ले लिया, मूंगफली के दाने बदलने आए थे, इतने सामान ले लिया। हो गई हमारी ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई, अब हम चलते क्रॉकरी शॉपिंग के लिए। तो एकदम से रेडी है, तैयार है, देखो ये देखो, चलो बड़बड़ी में करवाना पड़ता है ना आपके साथ सारा काम। मजा आता है मुझे, पता नहीं क्यों एकदम से वो। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं शिवम का, शिवम भी आने वाला है, मैन रोड पे भगत जी राम सिंह का मतलब नहीं समझते ये दोनों लड़ाई करने लगे मेरे से। मैं हाथ दे रही थी तो मैंने सोचा देख लिया मैडम पे। लेट नसीब लोग हैं, हम लोग लेट निकलते हैं घर से, दुकानें बंद होती तब हम कहते खोलो 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 भैया, हाँ अभी नहीं है ना, स्कूटी चलानी नहीं आती है बिल्कुल भी, जितने गट्टे होते हैं ना उसमें से ही निकालेगी, कभी भी ये नहीं सोचेगी अलग से निकालने। और मैं कहती हूँ मुझे दे दो तो मुझे नहीं देती, कहती कल पहुँच पाओगी। पर ये मौसम इतना अच्छा हो गया ना जाने आने के लिए बहुत अच्छा। नौकरी की दुकान पे और चलते ही, बड़ी दुकानें हो सकता है इस पर मिल जाए हमारी पसंद की, अंदर चलते हैं। आ जाओ जल्दी, आई समझ में, ऐसे पानी भी दे सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है ये, पानी के लिए अच्छे हैं। चलो देखते हैं गाइस, है ना, 4000 का और ये एक ग्लास है 170 रुपए का, इतनी महंगाई बढ़ गई, जब मैं आती थी पता ही कितने का था, 70 रुपए का तभी ले लेती, तो आज इतना महंगा नहीं लेना पड़ता, कोई चीजें हमेशा पूरी चलती रहती है। मम्मी ये ले लो जूस वाले जग, ये अच्छा लग रहा है, जूस के जग, जूस बनाने वाला, हाँ जूस भरने वाला, भरने वाला जूस बनाने वाला ले पहले, जो ड्राई फ्रूट के डब्बे अच्छे लग रहे हैं यार, देखो देखो मम्मा कंटेनर कितने अच्छे हैं, मैं तो गिलास पकड़ के छोड़ेंगे, हाँ ये अच्छे हैं, ये मुझे दे दो, पता ये खराब नहीं होंगे, स्टील के ना अंदर से, और यहाँ से दिख गया पॉलिश जैसे, सारी चीजें हमारी पसंद की हैं यहाँ, ये देखो बस बस यहीं से दिख रहा है, इसको पकड़ो बाहर से लूज, इसका मतलब पता है हमें डर लग रहा है छूटते हुए, ये अच्छी देखो अचार के लिए, ज्यादा पीछे मत, ये गिलास कैसा है मछली वाले, मछली वाले गिलास अच्छे हैं, ये वाला डिनर सेट मम्मी को थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसके अलग से चार्जेस हैं, ये ले ले तो लगभग 1200 रुपए की होंगी, अलग से प्लेट मंगवा लो, हमने ले लिया आज, हमें सब चीज अच्छी। तो गाइस हमने शॉपिंग तो कर ली है, क्रॉकरी ले ली, अब चलेंगे, अब घर चलते हैं, पहली बार मूंगफली ले रहे हैं इस सीजन में, है ना, कच्ची गिरी है, कितनी अच्छी है, लेते हैं मूंगफली। तो गाइस अब जा रहे हैं स्वीट्स लेने, धनिया 20-100 ग्राम दे रहे हैं, आंटी को मुझसे प्यार हो गया ना, कितना 15 के 100 ग्राम, आंटी कह रही है अब यहीं से लेना आप सब्जी, देखो पहली बार में आंटी हमें सस्ती सब्जी दे रही हैं। चलो भाई, 1 hour later गाइस अब हो रहे हैं कपड़े फोल्ड, आज वॉश किए थे तो मम्मी कपड़े फोल्ड कर रही हैं, भैया पबजी खेल रहा है, स्लो स्लो काम नहीं करना आता सोनिया की तरह, मेरे को आता है एकदम से काम करना है तो करना है, मैं स्लो करती हूँ, चलो अब से सारे काम आप करोगी क्योंकि आप फास्ट करती हो, इसका क्या मतलब हुआ, तब तो तुम्हें ज्यादा था, एक सेकंड और ये कौन पागल आदमी है एसी 22 पे चला रहा है इस टाइम पे, थोड़ा इसको बढ़ा दो ब्रो, मर गए ठंड में, जो पंखे में भी चद्दर ओढ़ के सोते हैं ये वो आदमी है, ये वो आदमी नहीं है, ये वो हैं जो मुझे एसी मैं जब फैन चलाती हूँ तो ये फैन भी बंद करते हैं और खुद को इन्हें एसी चलाना होता है, चद्दर ओढ़ के सोने वाले बंदे हैं, जब मुझे गर्मी लगेगी तब ये फैन भी नहीं चलाने देंगे, और अभी अपने लिए एसी चला रखा है, ठंड लग गई मर गई मैं बंद कर से।
कम बदले नहीं, इसे बंद कर दे भाई, ठंड लग रही है, जुकाम हो जाएगा। आज गाइस बहुत थक गए हैं हम लोग, बहुत काम किया आज हमने सारे दिन। हाँ, ब्लॉग बनाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वो तो बस जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत बना ही लेते, काम तो अब है ही। हाँ, तो इसलिए आराम से करो। चलो तो भाई करते हैं काम वाम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं क्योंकि अब हम एडिटिंग करेंगे और फिर हम सोएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, वीडियो तो देख रहे हो आप लोग, मुझे पता चल रहा है सबका, और लाइक भी कर रहे हो पर आप लाइक और कमेंट तो करते ही नहीं हो, भूल जाते, इतनी अच्छी लग रही है आपको वीडियो। ये यहाँ मम्मी को कॉपी कर रहा है, मम्मी को तो बार 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 मम्मी को कॉपी क्यों कर रहा है बेटा, पागल है ना, इसलिए मम्मी को कोई कॉपी करता है। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कुछ खास निकल आया, गुड नाइट करने के बाद भी दिखा रही हूँ ये डिजर्ट। सबको इसको देख के हंसी आ रही है, लंबी कैसे हो गई, ये पहले नहीं रहा था, सुबह पहनूंगा मम्मी ये ना के, मैंने कहा चल ये वाली रखी तूने बहुत दिन से नहीं पहनी, पहन लेना, पहनी नहीं हुई और ये एंगल पर टंगे टंगे इतने लंबे कपड़े हो जाते, मेरे को पहली बार पता चला, मैंने सोचा मेरा कुर्ता यहाँ कैसे आ गया, मम्मी मैं भी टंगूंगी अपनी तरफ करके बोलो, तेरी मम्मी मैं भी टंगूंगी, मुझे भी एंगल पे टंग से वाले पे टंग ले ज्यादा, मुझे लगा जादू का है, मैं भी लंबी हो जाऊंगी। भैया कह रहा है जितने दिन ये टंगी है ना उतने दिन तुझे टंगा रहना पड़ेगा तब लंबी होगी, ये तो टांग के भूले ही गए, इतने लंबी कैसे हो गई मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, मैंने सोचा मेरा कुर्ता है मैं यहाँ पे कैसे, कौन लाया इसको, बाकी शिवम के लिए तो लंबी होगी ना, काफी लंबी लग रही है मुझे काफी। ऐसा भी होता है क्या, पिछली सर्दियों में ली थी शायद, जाती हुई सर्दियों, कपड़े लंबे हो जाते हैं टंगे टंगे, किसी से कहने की जरूरत ही नहीं, हम झूठी नहीं बोल रहे, पता नहीं यार, मजे की बात थी बहुत, हंसी आई इसको देख के ही तो बाद में दिखाया हंसने के, चलो भाई।